तनी बिजली हूँ, बुरमान किसान पंचायत का इनको इतिहास पता था। मैं उसी धरती से आता हूँ, उसी परिवार से आता हूँ। 1895 में आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन खत्म हुआ 1947। अब कोई पढ़े लिखे आप गणित बता रहे थे, मैं गणित बता रहा हूँ, 1985 से 1947 कितने साल हो गए, 52 साल तक इतिहास चला। यह हुआ तीन फेज में किसान आंदोलन हुआ। 84 तरह के टैक्स लगा दिए गए, उस टैक्स के खिलाफ हिंदुस्तान का पहला इलाका था जिसमें इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और संसार का सबसे अनुशासित कोई आंदोलन था तो बिजलियां किसान आंदोलन था। और आपने शायद सुना होगा दूसरे सबकी कुर्बानी, लेकिन यहाँ पे मंच के ऊपर गोली मारने का इतिहास में पहला ये रूपाजी कृपाजी धाकर को ये पहला हो जाता है जिसके ऊपर मंच के ऊपर ऐसे भाषण देते हुए गोलीबारी अंग्रेज ने, मंच के ऊपर खत्म हुआ। इतना बड़ा इतिहास है बिजलियां का, इतना बड़ा इतिहास है मांडलगढ़ का। तो आजादी के में जितना योगदान बिजलियां किसान आंदोलन का है, शायद हिंदुस्तान में किसान वर्ग का, किसान आंदोलन का किसी जगह का इतना बड़ा इतिहास नहीं है। जब यह आंदोलन चल रहा था तो यहाँ के हमारे किसान नेता, आज तो बहुत साधन हो गए, बिजली आ गई, कारें आ गई, हवाई जहाज आ गए, मोबाइल आ गया, अमेरिका से बात हो रही है, लाइव चल रहा, हम जो बोल रहे हैं लाइव चल रहा, पूरा संसार देख रहा। लेकिन उस जमाने में जो बिजली तो छोड़ो, आपके जो दीपक लाइट करने के लिए जो ज्योत जलाता वो चमनी, उन चमनी में भी बाढ़ नहीं देखनी पड़ेगी, ज्यादा बाढ़ कटेगी, ज्यादा तेल जला वो बात बाढ़ में भी लिमिटेड रखना पड़ता था। उस जमाने की बात करिए आप, और आज पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, उस जमाने में था कि मैं जब पढ़ने आता था बिजली से लगा करके लाटपुरा से सीधी बच जाती, लाटपुरा से यहाँ पे पेटी रख करके यहाँ से पैदल आना पड़ता था। ये जो बस स्टैंड के ऊपर जो ये है आपकी पूरी पूरी के ऊपर ढाई फीट को जो रात में उठे बैठा रहता है जो ऊंदरा आपका ये हाँप और फोशर आके रात यूं रहता दीदी चार आगे चीज चलते थे। वो जमाना ऐसा था, उस जमाने में आंदोलन किया। और पहली बात तो ये कि ऐसा आप सोच नहीं सकते कि ऊपरमाल के किसानों की 15 साल तक जमीनें पड़त रही, सरकार ने उस जमीन को दूसरे के नाम पर इंतकाल खोल दिया, जमीन दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गई, उनके पास जमीन बोने की नहीं थी। जंगलों में उस टाइम पे काचरे बहुत हुआ करते थे, काचरा बनो बोलता काचरा हो ना इनकी सब्जी बना हुआ, वो काचरे पहले जंगलों में होते थे, आजकल तो खेतों में बहुत कम हो गए लेकिन जंगलों में होते थे। 14 साल तक लोगों ने काचरे के हिसाब से अपनी जिंदगी काटी, उसके बाद ही आजादी आई। लेकिन आजादी का आने के बाद में भी जैसा आप कह रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं शिक्षा की, ये सब बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी, ये 77 साल बाद में हिंदुस्तान की ये हालत है। उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार समाज के प्रबुद्ध वर्ग लोग और राजनेता लोग, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। और इसलिए इसमें चेतना नहीं आई, ना आप में राजनीतिक चेतना है, ना आपके शिक्षा की चेतना है, ना आपके खाने पाने की चेतना है, ना आप में एकता है, ना आपका कुछ भी नहीं। और हिंदुस्तान में मेवाड़ सबसे बड़ा, मेवाड़ इलाका जो है आपके वहां से उदयपुर, बांसवाड़ा से उदय डूंगरपुर से चालू होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा राजसमंद उदयपुर चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये संसार का सबसे बड़ा विचित्र सबसे बैकवर्ड इलाका अगर है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बैकवर्ड ये इलाका। आज मांडलगढ़ की बात कर रहे हैं, इतनी हमारे पास में आते हैं जहां से पटवारी की आती है, पटवारी सबसे छोटी, ये पंचायत के जी बैठे हुए हैं हमारे सरपंच साहब, इन सरपंचों ने हम पूछा कि तेरा सेक्रेटरी कहां का, तो मेरे ख्याल से इसको पता नहीं, सरपंच को ये पता नहीं कि इसका सेक्रेटरी मूल रूप से भीलवाड़ा जिले का है कि चित्तौड़ का है, कहां का है। मेरे ख्याल से 100 में से 50 इनके सचिव भीलवाड़ा जिले के नहीं, बाहर के जिलों में नौकरी करते। पटवारी जितने भी है 100 में से 50 पटवारी यहां के नहीं बाहर के, मास्टर जितने भी यहां नौकरी कर रहे हैं उसमें से 100 में से 50 मास्टर बाहर के, एसडीओ तहसीलदार कलेक्टर एसपी सोचने का तो विषय ही नहीं, वो बहुत आगे है, अभी वो विषय नहीं आया। और राजनीति का जितना बैकवर्डनेस, जितना सजगता नहीं है, वो सबसे बड़ा इलाका ये मांडलगढ़, जिसमें राजनीतिक चेतना नाम की कोई चीज नहीं। आप लोग बस उसे ये चीज है कि जैसे कोई भी आएगा आपको घुमराह करेगा, मीठी बात करेगा, आपका हाथ करेगा, सारी चीज करेगा, आपका फट से उसकी तरफ रुझान चला जाएगा, और वो आपको कहां से मार कर रहा है, वो क्या आपसे फायदा उठा रहा, कहां आपकी मजबूरी का दुरुपयोग कर रहा है, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में 77 साल बाद अब आपको निर्णय करना पड़ेगा,
क्योंकि पहले के जमाने में जमीनें बहुत थी, एक बाप के 50-60-100 बीघा जमीन थी, दो बेटे हो गए 25-25 आ गई, फिर दो बेटे हो गए 12-12 आ गई, फिर बाद में चार बेटे हो गए एक डेढ़ डेढ़ दो दो बीघा के रकबा रह गए। दो बीघा के रकबे में परिवार नहीं चल सकता, किसी भी स्थिति में नहीं चल सकता। और फिर बाद में आपकी जो पैदावार होती है, ये सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जितना भाव काश्तकार के अनाज को या उसके पैदावार को मिलना चाहिए, पैदावार का भाव नहीं मिल रहा आपको। आपका जो पैदावार आप कर रहे हैं उसमें जितनी आपकी लागत है, उस लागत में भी कई दफा उसमें भी घाटा आ रहा है। खेती पूर्ण रूप से घाटे का सौदा हो गया। बात मेरे को भाषण नहीं देना था लेकिन मानते नहीं, मेरे पीछे लगते बोलो 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 लंबो बोलो। मजबूर करते हैं ना ये लोग, क्योंकि बेटो तो कोई छेड़े ही नहीं, छेड़े तो ये तो मामले दूर दूर, ये तो स्थिति बिल्कुल अलग है ना, ये रामलीला थोड़ी, यहाँ तो बहुत गंभीर है। मैंने कहा कि मैं पढ़ने जाता था भीलवाड़ा, मैं ही बताता हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पूरी के नीचे 2.5 फीट के रोज के बरसात के अंदर यहाँ रात भर बैठा रहता सेवड़ो वोट, ऊपरे तो चोटी और नीचे कहीं को न चप्पल को पतो ही को न, और ऊंटाई पर दाकर जो मैंने फूल किया तुम्हारा ग्रह सो जा दाकड़ा को तो पतो है लाइ गए 5-4 साल पहले तो खाई नहीं संसार को पतो ही कौन 5-10 लाख यो भी जीव जिंदगी जीवेगी। उस जमाने में इस जमाने में इतना अंतर क्यों आया, इतना बदलाव क्यों आया, उसका मुख्य कारण आजादी की लड़ाई होने के बाद में हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में वोट का राज आया, वोट का राज आने के बाद में नेताओं की वोट की जरूरत पड़ने लगी, और वोट की जब जरूरत पड़ने लगी नेता ऐसा लाइन लगा रखे बेटा, और आपने कान में फूंक दे कहीं के नानी शान भाभी शान पर बीमार होते राजा जी जयपुर राजा जी इलाज कराओ, ये खां के एरिया ये बात कह रहा था कहने के वोट। और घना नेता तो शान का वोट के खाते देख ले टोकरो ढाकरो खून के सिर काट को टोकरो माचा में खुशे तो को रुके नहीं कहीं डीजर आ रहे फटूंगा पक पकड़ फोटोग्राफर ने रखा फोटो खींच फोटोग्राफ लाल लाल चले जो पग पकड़ियो और फोटो खींचो अपलोड कर दियो फिर और पत्रो बोलो ने तो रे और अब सारो पग दो फिर 1000 वोट दिन है। इसलिए मैं विजिलेंस किसान आंदोलन का मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोगों को कह रहा हूँ, जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी पूरे हिंदुस्तान में, विजय सिंह जी पथिक एक अंग्रेज को गोली मारती थी उत्तर प्रदेश में, उनको जगह ऐसी चाहिए थी जहां छुप जाए जहां पता नहीं लगे अंग्रेजों को पकड़ नहीं सके, तो उनको जगह ऐसी जरूरत पड़ी थी, तो विजय सिंह पथिक को पता लगा कि ऊपरमाल इलाका ऐसा है जिसमें चारों तरफ घाटे घना जंगल यहां कोई नहीं आ सकता, और यहां के जो आंदोलन कर रहे थे उनको सब कुछ थी लेकिन उसके बाद पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लिखना पढ़ना नहीं आता था, पैसा नहीं था, उनको चाहिए था नेता। जब एक लड़की को होता तो लड़की को बाप वाले को लड़के को चाहिए लड़की, लड़की वाले को चाहिए लड़का, तो शादी संबंध हो जाता। उस तरीके का विजय सिंह जी पति को जगह ऐसी चीज थी जहाँ अंग्रेज उनका पीछा नहीं कर सके, जगह को ढूंढ नहीं पाए, और यहाँ के जो आंदोलन करने वाले थे उनको नेता की जरूरत थी, ऐसा नेता मिल जाए जो नेतृत्व कर सके और मजबूत नेता हो, दोनों का तालमेल बैठ गया। और जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ के नेता गए वहां महात्मा गांधी के पास, राष्ट्रपिता भी हमारे ये कह रहे कि लकड़ी और एक हमारे भगवान सिंह जी ने सब का मजा लकड़ी और उस वाले ने नहीं किया दूसरे ने किया हिंदुस्तान की आजादी, लकड़ी वाले का मतलब उनका महात्मा गांधी से एक शब्द में भूल गया, भगवान सिंह जी ने बोला लकड़ी और वो वाला आजाद नहीं दिला आजादी नहीं दिला लंगोटर लकड़ी वाला लकड़ी लंगोटर अगर आजादी नहीं दिला तो राष्ट्रपिता आपकी धरती को उन्होंने कहता महात्मा गांधी ने कपड़ो ही नहीं तन पर वो तो जेन्या का महाराज पूरा हिंदुस्तान पूरा संसार उनको महात्मा गांधी को मानता राष्ट्रपिता का मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था। वहां जब ये गए तो उन्होंने कहा साहब हमको कुछ आशीर्वाद दो, तो महात्मा गांधी ने हमारे किसानों को ये कहा था कुछ करे ना आंदोलन करने वाले जो बगदरी रजा की बगदरी पैरवाला पटेल ने हुआ क्यों कि मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं बिजना किसान आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान को आशीर्वाद लेना चाहिए पूरे संसार को आशीर्वाद लेना चाहिए। वो जाने के लिए मना कर दूं लेकिन ये बात के तो बजा दो ताली, ये बात के लिए तो ताली बजाई। महात्मा गांधी को मजबूर होकर कहना पड़ा कि संसार में अगर सबसे बड़ा आंदोलन है वो किसान आंदोलन, आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, बिजना किसान आंदोलन का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान में पूरे संसार में जो आंदोलन चल रहे हैं उनको लेना चाहिए। मुँह बड़ी होने बड़े होने मुँह डोकरी मारी मारी आप
तो मारे चपलामी नहीं पगा में अरे डोगी है तो डोगी मजा कटी शांत घर पे खाबा का लाला पड़ गया यात्रा के लिए क्यों काचरे स्कूल के पैसे नहीं थे और स्कूल में जो किताबें ले जाता ना थेलो नो जो मुझे भेजा को होता ना सेवड़ो उनको टुकड़ा ने काट उन्हें बांध ले जाता दुनिया में रहो थे कहाँ रहते हो इसलिए आप माताएं हैं आप बच्चे पैदा और बच्चों के लिए आपकी शुभकामनाएं होती मैं इसी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मांडलगढ़ विधानसभा कोई छोटी मोटी विधानसभा नहीं है ये जयपुर तक राजस्थान तक मामला नहीं है ये जयपुर और हिंदुस्तान तक मामला नहीं पूरे संसार में सबसे ऊपर मामला गुजरा किसान आंदोलन 1985 में भारत सरकार की तरफ इंजीनियर था मैंने बड़े बड़े बांध बनाए तो भारत सरकार की तरफ से हमारे को 23 इंजीनियरों को अमेरिका भेजा गया भारत सरकार ने उसमें एक इंजीनियर में भी था और मुखोनो कन्यालाल दाकर अब दाकर ने भी कोई अमेरिका का नाम 1985 में दाकर ने बाजार में जाओ शेठ जी के राम भाई ले एक बीड़ी पी उस जमाने में मैं अमेरिका गया जब पहली बार मैंने हवाई अड्डा देखा दिल्ली का हवाई अड्डा देखा तो दिमाग खराब हो गया कितने हवाई जहाज शान शान पठाना शान की कह रहा हम तो सरकार की तरफ से थे तो हमारे पास पहले दूसरे लोग लगे हुए थे हमको कहाँ से पूछना कहाँ से टिकट लेना कहाँ से क्या करना हमारा कोई काम नहीं था सरकार का काम था तो सरकार हमारे पास अपने आप टिकट ला रही अपने आप सारी व्यवस्था करी खाने की व्यवस्था सरकार की गाड़ी घोड़े की व्यवस्था सरकार की तो यहाँ से चले यहाँ से हांगकांग यहाँ पे टोक्यो यहाँ से अमेरिका के दो रूट होते पूर्व से जाओ तो यहाँ से यूं होकर के जाएगा और पश्चिम में जाओ तो यूं होकर जाएगा मतलब पूरा हिंदुस्तान का अगर राउंड करो जब अमेरिका आता चाहे इधर से जाओ इधर से तो हमारा सबसे पहले हवाई जहाज उतरा जापान की राजधानी टोक्यो टोक्यो में हवाई अड्डा पर देख गया जो हवाई जहाज ये कांवड़ा ऑपरेशन करें हमारे दिमाग खराब हुई कांवड़ा है हवाई जहाज ये कहते अपना देश में तो मोटर ही नहीं मोटर आशान की जो मैंने ये कूड़ी जो रशियो घुमा और यूं खचा दी जीत डाली धुआनो खटो जोर जोर उस जमाने में जब देखा दिमाग खराब हो वहां से जब हमारा हवाई जहाज उड़ा था मैं अमेरिका जाना था वहां पे 12 घंटे की हवाई जहाज ऊपर चलता है समुद्र के ऊपर चलता है प्रशांत महासागर पर करीब एक घंटा जमीन पर चलता बाकी 11 घंटे हवाई जहाज समुद्र पर चलता तो मेरे पास में कोई आदमी अंग्रेज बैठा हुआ था तो आपने चाल डालों को तो लाकर हिंदुस्तान को आदमी चाले जो डबका काका चले मुंडी से ही चलो और अठी उठी चाल तो रहे अपन देख तो पाँच देखो अमेरिका में विकसित देशों में ऐसा नहीं होता वो चलते स्ट्रेट चलते सीधे इधर उधर नहीं थे चाल टप टप चले घोड़ा चले और आप चला जी डरता टका चला तो जेब तो खेद दो चमका दो तो वो मेरे चाल डाल लेके मेरे पास वाला ने पूछा कि आप कहाँ से अंग्रेजी में कहा आपने कहाँ से मैंने कहा मैं इंडिया से वहाँ राजस्थान मांडलगढ़ नहीं जानते संसार में बात करने को होती है हिंदुस्तान के अलावा नीचे की चीज़ नहीं जानते लोग इंडिया इंडिया के नीचे कोई चीज़ नहीं इंडिया तो उसने मेरे को एक चीज़ पूछी कि आप इंडिया से तो भेजो क्या किसान आंदोलन की कोई जानकारी रखते हो क्या पूछा उसने मेरे को बिजुलिया किसान आंदोलन की जानकारी रखते हो क्यों पूछा कारण क्या को इतिहास में पीएचडी कर रहा था वो अंग्रेज इतिहास में पीएचडी कर रहा था तो मैंने मेरे को उसने पूछा कि आप बिजुलिया किसान आंदोलन में मेरे को गजब हो गया बिजुलिया किसान आंदोलन गोरिया निशान पर मैंने उससे पूछा कि आपको किसमें जरूरत इस बात उसने कहा मैं पीएचडी कर रहा हूँ इतिहास हिस्ट्री इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ किसान आंदोलन में सबसे मजबूत सबसे व्यवस्थित किसान आंदोलन कहाँ था तो मैं मेरे को पता लगा कि बिजलिया किसान आंदोलन सबसे पावरफुल सबसे अनुशासित प्रोग्राम था मैं इसके ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ बिजलिया किसान आंदोलन में उन्हें डिग्री मिली उन्हें पीएचडी मिली तब मैंने कहा महाराज मैं वहीं बिजलिया का ही हूँ सारी चीज़ हुई तो बातचीत करी फिर हवाई जहाज उतरता हमारे दूसरे लोगों को तो कोई मैंने लिया जैकेट उस अमेरिका का अंग्रेज का इतना था कि उतरा तो उठे निशान गाड़ियाँ उन्हें टैक्सा नहीं मिला आजकल तो बिल्कुल आगे मिला ना सरकार की तो सरकारी गाड़ी आने के बाद उस अंग्रेज से मेरे से कहा नहीं आपको तो मैं ही छोड़ने चलूँगा आप यहाँ पर छोड़ने आओ 10 दिन हम रहे थे 10 ही दिन उसकी गाड़ी मुझे लेने और छोड़ने आते बाकी सब दूसरे जाते थे मेरे को क्यों आते थी क्योंकि
क्योंकि उसको बिजलियां किसान आंदोलन के बारे में जानकारी लेनी थी ताकि लिख सके, उसको डिग्री मिल जाए। इतनी बड़ी कहानी है इस हिंदुस्तान की आजादी, गोलियां खा के मरे ये भाई कहा की जो बेगू बताया ना रूपाजी कृपाजी को नाम दे रहा है ये कॉलेज को रूपाजी कृपाजी कॉलेज है और गोल प्राम हर साल उठे हुए बकरी कौन गोली मारी अंग्रेजों मंच पर मरी हो आजादी के, ठीक है ना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है, पढ़ाई लिखाई के आज बात कर रहे हैं नेता लोग, लड़ाई करें लड़ाई नेता लोग, पढ़ाई लिखाई की बात करें मुझे 18 करोड़ 3 क्लास पास जो आठवीं क्लास पास तो आपको दिन भाषण दे पढ़ाई लिखाई को 18 करोड़ आठवीं क्लास तो कसर को नहीं तो रखना अशी मिट्टी खुणपणा अशी मिट्टी खाऊंगा या बिता आपको दिन दूजी बात करे भ्रष्टाचार ईमानदारी की बात करें आपको दिन भ्रष्टो का उन्हें लूटे उन्हें लूटे उन्हें लूटे उन्हें लूटे आपको दिन भाषण दे ईमानदारी ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लोगों को देने के बाद लाखों लाखों लोग मरे हिंदुस्तान की आजादी के लिए, कितने वर्षों तक तपस्या की, गर्भ खत्म हो गए, बच्चे खत्म हो गए, जेलों में रहे। अब आजादी आने के बाद में आप में सजगता आनी चाहिए, आप में सबसे बड़ी सजगता क्या आनी चाहिए, ये राज अब न तो अंग्रेज का है न राजा का राज है न मुस्लिम राज है, राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है, फर्क समझो आप, राजतंत्र और प्रजातंत्र, प्रजातंत्र ये बेटा हो राज क्या है ये राज, हम राज नहीं है, हम राज नहीं है, राज में हम ऊपर क्यों बैठे हुए डायबिट ऊपर, क्योंकि आपका वोट का कुछ हिस्सा हमारे पास है इसलिए मैं यहाँ बैठे हुए। मान लो मांगने का कहीं नहीं होता ना, आप आज आस्था में यहाँ पेट पकड़ दीजिए चाहे भाई बीड़ी पी जाओ मैं एक बीड़ी लिहाज पी कर इसका मतलब यह है, मैंने परसों भी कहा था आज भी कहा है फिर कर रहा हूँ, सब नेता बैठे हुए हमें दुकान चलानी होती है, मदारी होते हैं बहुत अच्छा डबरू बजाते हैं गांव में चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी शिक्षा होनी चाहिए, क्या उसका चरित्र होना चाहिए, क्या उसमें निष्ठा होनी चाहिए, क्या ईमानदारी होनी चाहिए, जनता के प्रति कितना वफादार होना चाहिए, उसके जमा वो पोस्ट के तहत कितनी जिम्मेदारी से जनता काम करा, कितनी ईमानदारी से काम करा और प्रशासन पे राज में उसका कितना बड़ा कंट्रोल है, ये सारी चीज देखने के बाद में अगर ऐसे नेताओं को आप लोग आगे भेजेंगे तो ये जो समस्या आ रही है ये समस्या नहीं आएगी, ये जो भी समस्या आ रही है लाइन खींचने की ये समस्या कतई नहीं आएगी, क्योंकि जिस किसने भी ये लाइन खींची या खिंचवाई है उस आदमी ने कभी जनता का हित की नहीं सोचा, उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि जनता का क्या होगा, ये लाइन क्यों खींच रहा हूं, लेकिन हो सकता है उसने ये लाइन खींचने के पीछे उसका एक ही ध्येय हो, वोट, वोट कहां है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी चेतना आनी चाहिए, जागृति आनी चाहिए प्रजातंत्र में आपके अधिकार की। चुनाव में क्या होता है आप जानते हैं, चुनाव आप भी वोट देते हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, आप 9 बजे फैलिया की करा रात में 9 बजे जो जो 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे अपने झांझल डो बाजे रहते और झांझल डो खट्टा बाजे न तो आपने वो रात में हवा को पतो लागे न बर्फ को पतो लागे न अतिवृष्टि को पतो लागे न तो भारी बरसात हो रही न बर्फ पड़ रही हो न हवा चाली तो भी झांझड़ो बाजे। चीज को समझिए, समय है, समय निकल जाएगा, समय निकलने के बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आपको 2-3 चीज का ध्यान रखेगा इस मौके पर, एक ही कहूंगा खेती के साथ साथ चाहे आप पशुपालन करें, चाहे आप मुर्गी पालन करें, चाहे छोटी दुकान करें, चाहे छोटा धंधा करें, चाहे टेम्परेरी की सर्विस करें, लेकिन खेती के साथ साथ आपका 100-200 रुपया रोज की इनकम का आपके हाथ में होनी चाहिए, तो कम से कम और कुछ नहीं तो बीड़ी माचिस का पैसा आपका वो धान से या वो जो आप बिक्री करते हो फसल की उसके माथे नहीं पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, गांव में एकता होनी चाहिए, ये वोट के राज में गांव के टुकड़े होंगे, हम लोग आपके अलग अलग टुकड़े करेंगे, हमारा वोट इंगड़ी में
खंडेलवाल जी का इंगली में हूँ, उंगली में जाऊँ, खंडेलवाल जी उंगली में जाए, हूँ इंगली में जा रही, कान में फोंक दिया, हूँ दुबली में जा रही, दूसरी फोंक दी। तो आपके टुकड़े होंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज आप है कल मैं हो सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा। कौन आदमी बोल रहा, अफवाहें चलती है, हेरा फेरी चलती है, झूठ बोलते हैं, आपको कहने के लिए 17 मीठी मीठी बातें करते हैं, यह है राजनीतिक क्षेत्र। फिर पढ़ाई लिखाई की हमने बात करी, जब तक बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, बोलने की कैपेसिटी नहीं आएगी, छोटी मोटी नौकरी नहीं मिलेगी, धंधा नहीं मिलेगा, काम करेगा तो वो चीज़ सही ढंग से नहीं कर पाएगा, उसका रहन सहन सही नहीं होगा, खड़ा होने में दिक्कत आएगी, जहाँ भी जाएगा उस आदमी को हमेशा किसी न किसी के अंडर चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा, अपनी खुद की ताकत पर खड़ा नहीं हो पाएगा। बातें इतनी कहने के बाद में मैं प्रसिद्ध क्यों हूं? सब लोग थे, जनता औरतें सभी एक ही बात कहकर डॉक्टर साहब खरीक है, तो कहो खरीक है जी ने भी वोट दे, तू जो कह मतलब खरी के बारे में वोट देने वाला वोट कौन मिला? झूठ बोल वाला, आप सोचिए समझिए, मैं भाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, सारे राजनेताओं से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली क्यों समझता हूं, उसके पीछे कारण है, चाहे वो चुनाव हार रहे, चुनाव जीतना या हारना संख्या पर निर्भर करता है, 51 वोट मिलेगा जीत जाएगा, 49 मिलेगा हार जाएगा, हमें 49 मिल रहे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन 49 मिल रहे हैं, ये नहीं कि हमको 10 वोट मिले, 3 वोट या जमा जब तो निशान हो जाए, कतरो जान जोड़ो बाकी के बाद में 5% के या तो फिर भी लटकी रहा। और फिर कहूं आपको, ये औरतें जितनी भी है आप अचार डालते हो केरी का, क्या करी जान लगाओ नीचे पड़ जाओ, उनको अचार में ला, उनको अचार में जो जान लगा में केरी रुक गई, इसका मतलब वो अचार कभी भी साल भर खराब नहीं होगा, उसका अचार डाल दिया जाओ, और जहाँ जान लगा में केरी पड़ गई मुझे तेल नहीं मत बगाड़ो और मसाला नहीं बगाड़ो, वो तो 2-4 दिन भी सड़ सड़ा। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपको कोई कर सकता आपको देना बात नहीं, मैं बात को सुनने के लिए नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात, समझना चाहिए, समझना चाहिए, आप बुद्धि जी और टीचर रहे हो, अध्यापक हो आप, टीचर के आप, बरसों तक आपने बच्चों को शिक्षा दी, आपको सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद देता हूँ आपका। हमारा आज एक योग है कि अपन आंदोलन के बैठे हुए हैं, आपका मानस भी है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो, मांग पूरी नहीं हो, आप आंदोलन में रहेंगे, हम भी इसलिए बैठे हो कि सरकार पे जितना दबाव दे सके, जनता जल्दी से जल्दी हमको आदेश मिल सके, सरकार पे जितना दबाव फेंक सके उतना दबाव फेंकने का प्रयास करें, इसलिए आपका हमारा दोनों का मन इस टाइम पे एक ही आदेश से ही अपने को गिलौरा में ही रहेगी, इसलिए मैं भी इसलिए इतनी बात कर रहा हूँ और आप भी इतनी देर बैठे हो, आप दोनों का अपनी सोच का और विचार का दोनों का तालमेल, अगर तालमेल दोनों को एक ना हो तो ना थे उठ चले जाता है या मुँह मारो भाषण बंद कर, ये जो भजन का बाल आया जो खींच रहे 5-10 मिनट तक तो खींच रहे, फिर ढोल कर हार बने नहीं हो कर दूसरे तीसरे कर, जब आपको हारो 5-10 मिनट बाद रंग मिल जाओ हारा को, एक साल जितनी चार बजे वो भजन शुरू करें, आते हैं बिजली ढोल के वाला भजन थोड़ी शुरू करें न कर, तो आपको और माँ को तालमेल बैठ के मतलब अब आप भजन की स्थिति में आ गया। अब आप भजन गा सका, बात है, अब आपने भगवान ने याद कर सकता, तो जो कुछ भी हुआ इसमें बिजली किसान आंदोलन का, जो भी हमारे यहाँ मांडगढ़ के हैं या राजस्थान के या भीलवाड़ा के, उन देवी देवताओं को जो हमारे काशकार थे, उन्होंने बिजली किसान आंदोलन किसानों ने किया, जिन्होंने गोली खाई सीने में, भील ने धाकर ने, दो धाकर ने भील ने, उनको नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, सुबह उठते भी जैसे भगवान को याद करें, हमको उनको याद करना चाहिए, तो उनकी उनकी शहादत से हमको हिंदुस्तान आजाद और आज यहाँ बैठे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो कुछ होने के बाद में ये कई लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, समिति बनी, अभी ये संघर्ष समिति सरपंच साहबान की बनी, इनके निर्देश से हम काम कर रहे हैं, इनका जो हुक्म हो रहा है हम काम कर रहे हैं, आपने 3 दिन में आज में फर्क देखा होगा,
आपने चार दिन पहले संघर्ष समिति शुरू हुई यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, एक पंचायत से आंदोलन शुरुआत हुई, एक के बाद दूसरी पंचायत जुड़ी, दूसरी पंचायत के बाद तीसरी पंचायत जुड़ी, तीसरी के बाद चौथी जुड़ी और धीरे धीरे चढ़ने के बाद तीन चार पंचायतों का ऐसा शुरू हुआ। और जब से आप लोगों को यह पता लगा कि अब इसमें कार्रवाई होने वाली है, कई लोग इसमें जुड़ गए, नेता लोग ऊपर मिल रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पहले ऐसा नहीं था, आजकल तीन चार दिन से सोशल मीडिया रोज आ रहा, कौन सी चिट्ठी कहाँ जा रही, सीएम को जा रही, राम लाल जी को जा रही, चीफ सेक्रेटरी को जा रही, कलेक्टर को जा रही, कौन लिख रहा, क्या लिख रहा, कौन, सारी चीजें इसमें चल रही थी, पहले नहीं चल रही थी, अभी दो तीन दिन चली। और जो ही ये सोशल मीडिया चला उसके बाद में जन सैलाब संख्या बढ़ना शुरू हो गई, और जो जो ये सोशल मीडिया चला त्यों संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि आपका हमने विश्वास बढ़ता जा रहा, आप ये सोच रहे कि अब हमारा काम शायद हो सकता है, आपका विश्वास है, तो इस लिहाज से संख्या बढ़ रही है। कल मैं जहां तक सोचता हूं मेरे ख्याल से ऐतिहासिक संख्या होगा, रिकॉर्ड टूटेगा कल की संख्या का प्रेजेंट। अभी हमारे पीछे हमारे मालका कह रहा जलनी और मानकला के तीन वहां पे ये कहते थे मानकला को इंजीनियर वहां, आज एक संघर्ष समिति बना के इन्होंने तय किया सारी चीज वहां पर गई, इन्होंने तय किया कि कल तीनों पंचायत के 1,000, 2,000, 3,000 जितने मैक्सिमम ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ा के रैली के रूप में मंडल कट जाए। अब जलिंद्री मालका खेरा से रैली के रूप में अगर आएंगे 1,000, 3,000 आएंगे तो आसपास के पंचायतों में लगा उससे कई गुना आएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ के प्रशासनिक मशीनरी से जो पुलिस के अधिकारी उनसे मेरा निवेदन है कि कल की देखते हुए आप व्यवस्थाएं अभी से दुरुस्त कर दें, ये पब्लिक कहाँ आएगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, इनका सारे की सारी व्यवस्था अभी से सोच रहे, कहीं सुन रहे हो अधिकारी निश्चित रूप से सुन रहे होंगे पुलिस कर्मी यहाँ पे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कल संख्या बहुत ज्यादा आएगी व्यवस्था उसी के अनुसार करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि अव्यवस्था हो जाए, अव्यवस्था हो जाए अनहोनी घटना हो जाए, अनहोनी घटना से बचाने के लिए प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं पहले से चुस्त दुरुस्त कर ले, सारी व्यवस्थाएं उसी के अनुरूप करें। नेताओं से मेरा निवेदन है कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे, अगर आपने कोई भड़काऊ भाषण दिया ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र में कोई भी इधर उधर हो सकता है। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का सब स्वर्गवास हुआ, मैं पढ़ता था वहां पे, मैं पिलानी हमारे दिल्ली के नजदीक जवाहरलाल, तो हमको पता लगा तो हमने कॉलेज छोड़ कर गया, इतना बड़ा नेता मर गया तो रेल में कोई पूछ वालों को, सब दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद में भीड़ करीब 10 किलोमीटर तक भीड़ उसको वहां तक दर्शन करने के, तो गलती ये हुई पीछे से भीड़ से धक्का लगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस का धक्का लगा, जो आगे जो खड़े थे चूक गया, वो गिर गया, वो गिर गया तो भीड़ उसके कुछली, कम से कम 25-30 आदमी भीड़ के नीचे पांव से कुचले गए, मर गए। ये भीड़ है, एक आदमी इतनी भीड़ में यहाँ नीचे गिर जाएगा, लोग आओगे आपना बचावा के लिए उनको ऊपर पक दे निकला वो भी मर जाए। इसलिए आप लोग भी व्यवस्थित रहें, हम लोग भी व्यवस्थित रहें, प्रशासन की व्यवस्था करें। और मैंने इसलिए इतनी बात करी क्योंकि यहाँ घंटे पहले यहाँ पे मन से ये संचालन हुआ कि 15 अगस्त और आजादी की बात रही, हाथ में छोरो और गांव में हो दिया है, ये ऊपरमाल किसान पंचायत को बुद्धो को अंदर हमने भुट्टो क्या हाटो क्या भुटिया 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 गांव में हाथ में छोरो हो दिया गांव में रही नहीं अच्छा यो है और इतना बड़ा आपका बलिदान इस हिंदुस्तान का इतिहास में आपका स्वर्ण अवसर टिका हुआ। और यहाँ पे जैसे अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कोई IPS और RSS एग्जाम होते हैं, मेरे ख्याल से कोई अगर RSS का एग्जाम दे रहा हो, RS का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव राजस्थान पुलिस हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें 2 नंबर का प्रश्न हर चुनाव में, हर इसमें चुनाव में क्या हर इसमें आपके परीक्षा में 2 नंबर विजिलेंस किसान आंदोलन का आभार, IAS और IPS में 2 नंबर का क्वेश्चन हर चुनाव हर इसमें IPS का हो IAS का हो FSS का हो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है विजिलेंस किसान आंदोलन का, ये गुरुजी बैठे हैं इनको पता है, आपके आस में भी आता है 2 नंबर का क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से विजिलेंस किसान आंदोलन का आता है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लड़का पढ़ने वाला लड़का लड़की नहीं हो सकता जिसको विजिलेंस किसान आंदोलन की
जानकारी नहीं हो पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच जाता, इसलिए ज्यादा बोलने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। ये अवसर है, इस अवसर को जहां तक सवाल इसका आपके 16 पंचायतों में जाने का, मैं उसकी जानकारी मोटी मोटी दे देना चाहता हूं। हमारी यहां सरकार से आदेश हुआ, कल हम लोग जो राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब, हमारे मांडवगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस से संबंधित या सरपंच साहबान, सारे के सारे हम भीलौड़ा गए। भीलौड़ा जाने के बाद में रामलाल जी जाट साहब से हमने समय मांगा, उन्होंने समय दिया। समय देने के बाद में उन्होंने सारी जानकारी दी। सारी जानकारी देने के बाद में उनको ये महसूस हुआ कि ये जो काम हुआ ये गलत होगा। वो मंत्री उन्होंने शपथ ले रखी, सारी बात आम आदमी को नहीं बताते, शपथ लेते हैं ईश्वर की, तो उन्होंने बताया कि ये मैं मानता हूं कि ये जो भी निर्णय हुआ निर्णय गलत है। इसलिए निर्णय को सुधारने के लिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है आपके दबाव की, जनता की दबाव की। इसलिए उन्होंने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, उस दिन भी मैं यही कह रहा हूं कि आपका जन आंदोलन बहुत शांत प्रिय होना चाहिए, बिना किसी मारधाड़ के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये दबाव आपका काम कर जाएगा अवसर का। इसलिए इसको हमको कंटिन्यू रखना। कल मैंने धीरे जी से भी बात करी, उनका कथन भी है कि मैं कल आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा। मैंने उनसे भी कहा कि मैं आपसे बात करना चाहते हैं, हम लोग, हम पूरे जनप्रतिनिधि जितने भी मांडवगढ़ के, हमने सुना कि आपका शायद इसमें रुचि है 16 पंचायतों में उधर ले जाने, हमको समझाइए 16 पंचायत आप उधर क्यों ले जाना चाह रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। वो भी शायद कल आएंगे, कल हम वापस उनसे मिलेंगे, और उनसे मिलने के बाद में रामलाल जी से भी कल निवेदन किया, धीरज जी भी निवेदन करेंगे, आप बड़े नेता है, मंत्री है, हम छोटे हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलेंगे। आप मुख्यमंत्री जी का टाइम हमको दिलाइए, हमको मुख्यमंत्री जी से मिलाइए, हमारी पीड़ा को उनको बताइए, और हमारी बात को अगर वाजिब है तो उनसे कहिए कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहे हैं, इनकी बात सुन करके निर्णय हम लोग को इसी अनुसार करना चाहिए, ये हमने रिक्वेस्ट किया रामलाल जी, और रामलाल जी ने इस बात को माना। क्योंकि इस तरीके से कई चीजें होती, तो मुख्यमंत्री का टाइम मिलने में कई तरह की शंकाएं होती, यहाँ से प्रशासन की रिपोर्ट क्या जा रही है, ये पॉजिटिव दे रहे हैं नेगेटिव दे रहे हैं, फिर बाद मान लो कोई चीज नीचे का उसका अधिकारी क्या कह रहा है, सारी चीज के मद्देनजर वो आदमी उस हिसाब से निर्णय करता है। राजनीतिक राजस्थान बहुत बड़ा, उनको मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को पता थोड़ी कि जल्दी खटा है मालको फिर वहां थोड़ी मान वहां थोड़ी मालूम कि नहीं गहलो कि आपा गया कि नहीं गहलो कि वहां थोड़ी मालूम गहलोत साहब को थोड़ी पता कि रात रोज 4,000-5,000 आदमी खैरार से बिजलन धंधा करने जाते हैं, उनको ये थोड़ी मालूम है कि यहाँ से 8 किलोमीटर पे बिजली है और वहां पे कितना किलोमीटर कहाँ कहते हैं। हम जो कहते हैं उनके नीचे वाले वो साहब जो अधिकारी कर्मचारी को मान देते फटाफट मान दे मान दे तो कहते हैं फटाफट प्रपोजल बना प्रस्ताव बना भेजता वो जावे जिम्मा जी दस्तखत हो जाए। इनसे सारी स्थिति हमने कल स्पष्ट की, रामलाल जी का दिमाग बहुत क्लियर है, साफ है, वो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। अब उनके कानूनी तौर से सरकार की क्या दिक्कतें हैं ये वो ज्यादा समझते, हम नहीं समझते, दोनों को साथ लेने का प्रयास करेंगे, दोनों को आगे रखेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे और पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक हमारी कोई चीज का प्रेशर पड़ के हमको कोई कोई मूल रूप से बहुत सॉलिड आंसर नहीं मिल जाए, तब तक आपकी संख्या ये आपका आंदोलन बरकरार रहना चाहिए शांत प्रिय तरीके से। मंचासीन राजनेताओं से निवेदन करूंगा भाषण में कोई ऐसी शब्दावली नहीं काम में ले जिसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाए, ओपिनियन डिफरेंस आ जाए, कहीं ना कहीं टकराव हो जाए एक दूसरे का, ऐसी भाषा काम में नहीं ले मेहरबानी करके। और अगर ऐसी भाषा काम में ली तो आज की तारीख में सोशल मीडिया चलता, छोरे पढ़े लिखे हैं, सारी चीज है, ये जनता है सब जानती, ये गानो है सिनेमा में, ये जनता है सब जानती, क्यों गानो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है सब बढ़ाओ। दोनों चीज का हम अगर व्यवस्थित चलेंगे, अनुशासित चलेंगे, और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो हमारी पंचायत है चलेगी वापस भिलौड़ा में रह जाए, मांडवगढ़ विधान रह जाए, और हम इतनी संख्या में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मैं बंडलबाजी नहीं करता, गारंटी नहीं लेता, मैंने वर्षों का राजनीति करता, मुझे शांत रखो जी, मारी गारंटी मुझे यूं कर दूंगा और वो मैं कहीं कर पत्रों कर दूंगा, हम हवाई जहाज जाऊंगा और एरोड्रम बना दिया, एरोड्रम बनाते हैं तो पत्रों को साफ की नहीं रहे, एरोड्रम शांत बनाते हैं तो पत्रों को लेकिन वो गम पा जाओ
यही सब कहते हुए आप लोग सब पधारे, इतनी शांति से मेरे को सुना, देर से बच्चे सारे बुजुर्ग सब खड़े होकर के सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। जहां तक सवाल मेरा, मैं राजनीति में नहीं, न मुझे राजनीति करनी, मेरी 76 साल की उम्र होगी, राजनीति बहुत करता हूँ और राजनीति करी बिल्कुल रुतबे से करी। चुनाव हारने के बाद में भी घुटने नहीं टेके, घुटने नहीं टेके प्रशासन के सामने, कहीं भी गिर रहा नहीं हूँ, बिल्कुल सारी चीज करी। जनित का जहाँ मसला, आधी रात को जनित के लिए बिल्कुल टाट ठोक के बात करी प्रशासन से, और हुआ और आगे भी ये करता हूँ। लेकिन मैं इस वोट की राजनीति में नहीं, न मुझे चुनाव लड़ना है, न मुझे, और मुझे चुनाव लड़वो चाहूँ तो मेरी 76 साल की उम्र है, तो उठे मुख्यमंत्री ने हाथ ले रहे टिकट दे तो ही नहीं दौड़ा बाल निकाल कर उसे जाता उन्हें नेता ने खाई दिया करो जाता भी लिया गया। अगर सारा बाल ख्याल बोला डाई करार जाऊं तो बाजू बैठ सकते मजाक है। इसलिए पुणे में आप सभी का, यहाँ के जो भी संघर्ष समिति के सम्मान्य सदस्य हैं उनका, गोपाल जी खंडेलवाल जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, सम्मान्य विधायक हैं, इनका, इनके सारे कार्यकर्ताओं का, सारे नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। जहाँ तक जो गलत फहमी है, जो झूठ जाल वाली नीचे जो जाल फैलाया जाता है, मेहरबानी करके झूठ जाल पर कंट्रोल करिए और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सारी चीज़ हो जाएगी। और अगर नहीं होगा अपने को पता लग जाएगा इतना होने के बाद में क्यों नहीं हुआ। संघर्ष अपना रत रहेगा, संगत रत रहेंगे। आपने मेरी बात शांति से सुनी पुणे, और मेरे ख्याल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि न तो मैं MLA हूँ, न प्रधान हूँ, न पंच हूँ, न सरपंच हूँ, महानगर कहीं को न पंचायत समिति को मेंबर हूँ, न कोई कांग्रेस में कोई प्रचार मंत्री हूँ, न संतरी हूँ कहीं को, बड़ा बड़ा पद लेबा वाला लेकिन महानगर कहीं हुए आने के बाद भी आप पत्र तरफ सुन रहे हो बिल्कुल गंभीरता से इन ड्रॉप साइलेंस में। मैं जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना सम्मान और इज्जत दी, उसके लिए मैं आपको आज जीवन आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।